नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809906089745 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @StudyForCivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं जैसे कि आरओ एआरओ है ना, उसके लिए लगातार अपने पेड क्विजेज जो है उसको वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसे। हमारे ग्रुप्स भी रिसेंट में स्टार्ट हुए हैं, इसके लिए आप पूरी तैयारी के लिए उसमें एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का खोल करके देखिए, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, आप उस पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, हम बिना किसी तरीके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एक्सप्रेशन ऑफ इंपीरियल सेक्रेटेरिएट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। तो दिल्ली सल्तनत में जो मुख्य रूप से 5 डायनेस्टीज ने शासन किया, उस शासन काल में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते थे जो अलग अलग नामों से जाने जाते थे। उसी में जो रॉयल सेक्रेटेरिएट कह लीजिए या फिर रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए जो डिपार्टमेंट मतलब रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, दीवान ए इंशा विकल्प बी में जो लिखा हुआ है इसको चुनेंगे हम। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो जो फाइनल और डिसाइसिव कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1819 के मध्य। ठीक है, तो इस टाइम पे देखेंगे तो यहाँ पे शासनकाल है इसका लॉर्ड हेस्टिंग्स का। जितने भी देखिए वायसरायज हैं और उसके पहले गवर्नर जनरल्स, इनकी लिस्टिंग पता होनी चाहिए। अगर इनका टाइम पीरियड आपको पता है तो कई सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम में कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल के किस स्थल से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है? कई सारी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो हैं अलग अलग साइट से, इनके बारे में पढ़ें। यहाँ पे जैसे जितने भी स्थल लिखे हुए हैं इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। उसी क्रम में जहाँ पे ये क्वेश्चन जो बात कह रहा है कि डोमेस्टिकेटेड डॉग का जो ब्यूरियल है, इसकी साइट या एविडेंसेस जो मिले बुर्ज होम से, ठीक है, वर्तमान में इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर का एरिया है, ठीक है, कुछ यहाँ पे। तो इसमें जो है सी विकल्प को हम चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कबीला ऋग्वेद के पंचजन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ऋग्वेद में इंफॉर्मेशन मिलती है सबसे अर्लीस्ट कह लीजिए ट्राइब्स की, इंडो आर्यन ट्राइब्स की, जिनकी संख्या है 5, उन्हीं को पंचजन के नाम से यहाँ पे रेफर किया जाता है। ठीक, तो उस पंचजन में जैसे यदु, पुरु, तुर्वस, इसके अलावा जैसे ये अनु, ठीक है, और एक थे ये द्रुहयु, ठीक है, तो ये 5 हो गए और इसमें कीकट जो है ये नहीं थे। तो इन 5 को नाम जितने भी हैं 5 इसको ध्यान रखेंगे। इसमें से कौन सा अभिलेख वैदिक देवताओं का उल्लेख करता है? तो टर्की के रीजन में जो है डिस्कवर किए गए बोगस कोई इंस्क्रिप्शन में जो वैदिक डाइटीज हैं जैसे कि इंद्र, वरुण, मित्र, ठीक है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है, पदुबिद्री समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? तो उडुपी डिस्ट्रिक्ट जो है केरला, सॉरी कर्नाटका, ऑप्शन फर्स्ट। भारत की पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता इसमें से किसके द्वारा की जाती है? तो देखेंगे हमारा जो ये है केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, तो एपेक्स बॉडी है जिसके द्वारा फॉर्मेशन किया गया था इसका, नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशनल चैलेंजेस, ठीक, तो इसकी अध्यक्षता की जाती है नीति आयोग के उपाध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन को चुनेंगे। तो जैसे वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, ठीक है, तो ये इसकी अध्यक्षता करेंगे मतलब करते हैं। नेक्स्ट है, कलिंग किंग खारवेल इसमें से किस वंश से संबंधित थे? तो कलिंग जो है वर्तमान ओडिशा का जो क्षेत्र है इस रीजन को रेफर किया जाता था इस नाम से। तो चेदी डायनेस्टी जो है इसको दूसरे नामों में महामेघ वाहन डायनेस्टी भी कहा जाता था, उससे खारवेल का संबंध था अराउंड 2nd century BC के आसपास जो इन्होंने खारवेल ने शासन किया यहाँ पे। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है?
मेगास्थनीज के बारे में आप जानते हैं कि कौन था, ये एक एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन था या डिप्लोमेट भी कह सकते हैं, ठीक, और एम्बेसडर था ये इसका सेल्यूकस निकेटर फर्स्ट का इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसी कह लीजिए टाइम पीरियड की इन्फॉर्मेशंस को कंपाइल करते हुए एक पुस्तक लिखी, इंडिका, ठीक। तो वही यहाँ पे पूछा गया था, ऑप्शन इसमें से डी वाला करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं थे। 42nd अमेंडमेंट किया गया था 1976 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया आर्टिकल 51A में, ठीक है, और इस पर्पज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया भाग भी जोड़ा गया था 4A, ठीक। लेटर ऑन 86th अमेंडमेंट हुआ था, ठीक, 2002 में, जिसके माध्यम से 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसको भी ऐड किया गया। और आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज कह लीजिए कहाँ से हमने बोरो किया है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये क्या है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है सेबी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक, हमारी सिक्योरिटीज जो मार्केट है कमोडिटी मार्केट उसकी मुख्य रेगुलेटरी बॉडी के रूप में ये कार्य करती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी को चुनेंगे। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1988 में, इसको भी ध्यान रखेंगे। स्टेट्यूटरी मतलब स्टेटस इसको कब मिला है, 1992 में, ठीक। ये सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना है, ये होना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो देखिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेली मंदिर है, ऑप्शन डी को चुनेंगे। बेसिकली होता क्या है, मंदिर आर्किटेक्चर में आप देखेंगे, जैसे आर्किटेक्चर के मुख्य रूप से तीन चीज़ों को आप पढ़िएगा, जैसे नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली, ठीक। अब जैसे नॉर्थ इंडियन मंदिरों में क्या होता था, जैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर है मान लीजिए मंदिर का, तो यहाँ पे ऐसे जो गर्भगृह के ऊपर की आप आकृति देखते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ त्रिभुजाकार मुख्य रूप से होती है, इसको जो है शिखर बोला जाता है, ठीक है। और वहीं इसके विपरीत जो द्रविड़ियन आर्किटेक्चर मुख्य रूप से साउथ इंडिया में बनता है, उसमें क्या होता है कि यहाँ वाला ये जो पार्ट है नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में काफ़ी ऊंचा होता है, साउथ इंडियन टेम्पल्स में है ना इसकी बीच की चौड़ाई ज़्यादा होगी और लंबाई कम होती है, ठीक है, उसको विमान बोलते हैं, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो तेली मंदिर में क्या है कि जो इसका ये शिखर है वो द्रविड़ियन आर्किटेक्चर में बना है, यानी कि शॉर्टर है थोड़ा सा, तो वही बात यहाँ पे इसको पूछा गया है। आप चाहें तो इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे और इमेज वगैरह सर्च करके देखिएगा, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें कि मंदिर आर्किटेक्चर का कौन सा भाग क्या होता है वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। इसमें देखें कौन सा युग्म गलत है, हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख है, CAG का 148, ठीक है, ये 151 तक है कुल, और UPSC वाला गलत है, 215 नहीं, ये बेसिकली 315 से 323 के मध्य आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे हमारी जो पब्लिक सर्विसेज वाला कॉन्सेप्ट आता है। संविधान सभा की कई प्रकार की कमिटीज थी छोटी बड़ी, उन सबकी लिस्टिंग आपको पता होनी चाहिए, उसी में से माइनॉरिटी सब कमिटी एक थी, ठीक है, इसके चेयरमैन का नाम बताना है, HC मुखर्जी है ना, सी विकल्प। निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति है, तो CIC जो है इनको रिमूव किया जा सकता है इनकी पोस्ट से ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी टू होल्ड ऑफिस, ठीक है, इन सब ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक। निम्नलिखित जो संविधान संशोधन लिखे हुए हैं उसमें से किसके द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में एक तिहाई स्थान आरक्षित किया गया, तो पंचायत का प्रोविजन ही ऐड हुआ किस हमारे अमेंडमेंट से 73rd, ठीक है, 1992, इस भाग में आर्टिकल आप देखेंगे 243 से 243O तक, ठीक। तो उसी क्रम में यहाँ पे जो है रिजर्वेशन महिलाओं के लिए जो इसमें बताया गया, तो ऑप्शन इसमें बी को चुनेंगे। इसमें देखें ब्लैंक में हमको फिल करना है, इसमें से किस प्रकार की तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्सरे, गामा रेज, रेडियो, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट है ना, इंफ्रारेड, ये सब शामिल होती हैं। तो बेसिकली ये सब सारे कंपोनेंट किसके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ये बेसिकली कुछ नहीं होता, ये रिजल्ट होते हैं किसके, वाइब्रेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो उसी के माध्यम से इनका कह लीजिए उत्पत्ति होती है, और उसमें ही ये सारी हमारी जो चीज़ें यहाँ पे लिखी थी ये सब इसका
हिस्सा होती हैं। इसमें से क्या वो टर्म है कि जिसमें ये एक ऐसी नीति है जिसमें किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि का अधिकतम आकार तय करना शामिल है। ठीक, तो मान लीजिए किसी के पास बहुत ज़्यादा पीस ऑफ लैंड है और उसी में एक लिमिटेड जो है अमाउंट ऑफ लैंड उस व्यक्ति के लिए डिजिग्नेट करना, तो ये कॉन्सेप्ट जो सरकारी तौर पे किया जाता है इसको लैंड सीलिंग कहते हैं। भारत में न्याय सक्रियता इसमें से किस विषय से संबंधित है? तो PIL का जो कॉन्सेप्ट भारत में स्टार्ट हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो किसी भी पब्लिक के इम्पोर्टेंस का जो मुद्दा है उसके रेफरेंस में इसको कोई भी दायर कर सकता है मामला किसी भी कोर्ट में। ठीक, तो ये क्या है, ये हमारे जुडिशरी की एक्टिविज्म जो है उसको ही तो दर्शाता है। फंडामेंटल राइट्स में कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रेन जो है, आप देखते हैं कि जैसे जो हमारे दो अनुच्छेद हैं एक्सप्लॉयटेशन वाले, एक फोर्स्ड लेबर वाला है आर्टिकल 23, और जो 14 साल से कम के बच्चे हैं है ना, उनको हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट वगैरह में जो प्रोहिबिट करने का कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 24 में है। ठीक, तो ये दोनों यहाँ पे जो है नहीं ना, तो कुल मिला के हमें 24 वैसे भी ढूंढना था, तो नन ऑफ दी अबव को चुनेंगे। आप कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पे, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमारा वर्ड है कंस्ट्रेन, इसका मीनिंग बताना है। कंस्ट्रेन का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु को कह लीजिए अवरुद्ध करना या सीमित करना। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्ट करना भी तो वही होता है, ऑप्शन सी को चुनेंगे। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन द मीनिंग। तो हमारा वर्ड यहाँ पे है नॉन कन्फर्मिस्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति मान लीजिए जो समाज में कोई भी सामान्य या फिर बहुसंख्यक लोगों की कोई परंपरा है उससे उसके विचार आचरण भिन्न हो। ठीक है, तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल, जो कि परंपरावादी किस्म का व्यक्ति है ना, चीज़ों को मानता हो उस हिसाब से, तो ऑपोजिट ही बताना था, तो विकल्प इसको चुनेंगे फर्स्ट को। चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, तो स्पेलिंग देखना है। हमारा वर्ड है अरोनियस, इसको प्रोनाउंस करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट जो है ये स्पेलिंग होती है, इसका मतलब होता है गलत। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है इसमें। इसमें हमारे पास एक सेंटेंस है और किस पार्ट में एरर है उसको फाइंड करना है। ठीक है, ब्रैकेट में देखिए हमारा सेंटेंस लिखा है, ऑल्दो आई हैव नेवर सीन द गर्ल बिफोर, तो ये पहला पार्ट है। दूसरा है आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस फ्रॉम हर फोटोग्राफ, तो ऑल्दो आई हैव नहीं, आई हैड नेवर सीन द गर्ल बिफोर, ये यहाँ पे होना चाहिए था, फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। अब यहाँ पे ब्लैंक में हमें कौन सा वर्ड भरना पड़ेगा इसके हिसाब से देखते हैं। तो रेस्पेक्टेबल है ना, यानी सम्मानपूर्वक, जैसे सेंटेंस ये बनेगा कि वह सम्मानपूर्वक जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेस्पेक्टेबल का जो सही फॉर्म भरेंगे रेस्पेक्टेबली, ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है। अब इसमें करेक्ट ऑल्टरनेटिव फिर से चूज करना है। आफ्टर रिटायरमेंट सूती लिव्ड, इसमें से डैश ऑस्ट्रेलिया, तो प्रीपोजिशन इसमें फिल करेंगे इन। ठीक है, लिव्ड इन, सेटल्ड इन, ये सब जो है यहाँ पे इन सब वर्ड्स के साथ इन आता है। चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन idiom, तो हमारा ये देखिए प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, आपने शायद इसको यूज किया हो, इसका मतलब क्या होता है, प्रोज का मतलब एडवांटेजेस और कॉन्स का मतलब डिसएडवांटेजेस किसी भी चीज के लिए। फिर से ऑल्टरनेटिव चूज करना है, वंस इन अ ब्लू मून, तो ये होता है वेरी रेयरली, मतलब कि पता नहीं कितने दिनों में एक बार, ऐसे कुछ हिंदी में शब्द आप बना सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें चुनना है, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस है ना, हर बीमारी की एक दवा, इसको क्या बोलते हैं, पेनेसिया, यानी कि रामबाण। अब हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे, आधी रात का समय, इसके लिए हम क्या एक वर्ड यूज कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं निशीत। ठीक है, निशीत या फिर अर्ध निशा। जिसका इलाज ना हो सके इस वर्ड के लिए हमें, मतलब इसके लिए एक वर्ड चुनना है। ठीक है, तो ला इलाज है ना, इसको कह सकते हैं आप, या फिर जैसे यहाँ पे इन विकल्पों में देखेंगे तो असाध्य। ठीक, यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं उसमें से कौन सा तत्सम है। ठीक है, तत्सम तद्भव के बारे में भी पढ़िएगा। इसमें कपर्दिका जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ये तत्सम है और इसका तद्भव होता है कौड़ी। ठीक है,
अब इसमें देखें, अंडा सेवे कोई, बच्चा लेवे कोई, इसका क्या अर्थ है? तो किसी पक्षी के रेफरेंस में समझिए कि जो अंडे देते हैं और उसका पालन पोषण वो लोग सेते हैं उसको, तब तक जब तक उसमें से बच्चा बाहर नहीं आता, ठीक है? तो अब बच्चा बाहर आया, फिर उसको मान लीजिए कोई लेके चला गया, तो क्या हुआ? इसका अर्थ है कि मेहनत कोई करे और लाभ किसी अन्य को मिले, ठीक? तो फर्स्ट विकल्प हमारा हो जाएगा। विवाद शब्द का विलोम बताना है, ठीक है? तो विवाद का निर्विवाद होता है, ठीक है, जिसमें कोई विवाद ना हो। इसमें जो विकल्प लिखे हुए हैं उसमें से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप कौन सा नहीं है? तो मत्सर का अनार्थ, ये अनेकार्थी या फिर पर्यायवाची, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, कुढ़न, ये सब हो जाएंगे, राग नहीं होगा ना इसमें। शब्द हमारा है पंचवटी, इसमें कौन सा समास है ये बताना है। तो पंचवटी में क्या हो रहा है, देखिए कि जैसे पहला पद क्या है, किसी संख्यावाचक विशेषण का बोध करा रहा है ना हमें, पांच वटों के समूह को पंचवटी जैसे कहते हैं। तो ऐसे स्थिति में जहां पे संख्यावाचक विशेषण का बोध हो रहा हो, द्विगु समास होगा उसमें, ठीक? तो सी विकल्प को चुनेंगे पंचवटी के लिए। अब कुछ कंप्यूटर के प्रश्नों को देख लेंगे। इसमें कहा गया है आपसे कि इसमें से कौन सी की, कीबोर्ड के अंदर जो होती है, टॉगल की का उदाहरण है। तो देखिए, टॉगल की बेसिकली क्या होता है, ऐसे कीज को कहा जाता है जो किसी फंक्शन को ऑन या ऑफ करने के लिए, या फिर स्विचिंग बिटवीन टू फंक्शंस कह लीजिए, उसके लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल कैप्स लॉक, इसके अलावा नंबर लॉक की और स्क्रॉल लॉक, है ना, ये तीन प्रकार की कीज होती हैं जिसके लिए आप देखते हैं कीबोर्ड में हमारा अलग से इनके लिए तीन लाइट्स भी जो है ना इंडिकेट करती हैं राइट साइड में कॉर्नर पे, ठीक? तो इनको ही टॉगल कीज कहा जाता है, तीनों को ही ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा एक आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण है? तो आउटपुट इसमें से क्या देता है, स्पीकर। देखिए, कंप्यूटर के रेफरेंस में जो हमारी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त फ्री हार्ड डिस्क के स्पेस को क्या कहते हैं? तो आपके जैसे कुछ फंक्शंस होते हैं तो रैम को, जैसे मान लीजिए आपके डिवाइस की रैम है 2 GB, ठीक है, उसकी कैपेसिटी है, आप उसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए जो आपके सिस्टम का हार्ड डिस्क है उसमें जो फ्री स्पेस है उसको भी रैम के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसको वर्चुअल मेमोरी जो है इसको बोलेंगे। आप अपने माई कंप्यूटर के जो प्रॉपर्टीज़ वाला सेक्शन होता है वहाँ पर जा करके इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसमें फ़िलहाल हम डी को चुनेंगे। किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन इसमें से किस यूनिट में मापा जाता है, ठीक है? तो पेपर पे जो हमारा प्रिंटर कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी कैरेक्टर कह लीजिए जो प्रिंट कर रहा है, तो उसकी जो यूनिट है डॉट्स पर इंच, DPI बोलते हैं उसको। इसमें से सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, ठीक है? जो इतने भी, जैसे आपने इसमें किसी लैब वैब में देखे होंगे जो बड़े फोटोकॉपी के शॉप्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पे लेजर प्रिंटर को यूज करते हैं जो सबसे फास्टेस्ट होता है, ठीक? इसमें से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें वर्ड है ना, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब आप यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो सॉफ्टवेयर को दो टाइप्स में पढ़ा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक? CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, ठीक है? ये बेसिकली इसको यूज करते हैं जो हमारे जैसे सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित लोग हुए हैं, या फिर किसी भी जिसे प्रोजेक्ट का ये बनाना होता है ना, मैप वगैरह, जैसे घर का कोई मान लीजिए आपको मैप बनवाना है, तो उन सब में ये CAD सॉफ्टवेयर जो है ये यूज होता है। तो पहले ये चीज़ें जो है ऑफलाइन मेथड्स में जैसे स्केल वगैरह को यूज करके होती थी, अब इसके लिए CAD सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी पॉपुलर है, ठीक? तो सी विकल्प को चुनेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को भी हमने कंप्लीट किया है। जो क्वेश्चंस हमने पूछे होंगे उसको कमेंट कीजिएगा, संबंधित फैक्ट्स को डिटेल में पढ़ते रहिए। सीरीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।